सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करूँगा इंडिया की टॉप 5 मेरी पर्सनल फेवरेट साइंस फिक्शन मूवीज़ के बारे में। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगेन। सो गाइस, 5वें नंबर पर आती है रावण, जो कि रिलीज़ हुई थी 2011 में, लेकिन उस टाइम पर ये फ्लॉप हो गई थी क्योंकि इसकी स्टोरी में दम नहीं था और इसके डायलॉग्स अडल्ट डायलॉग्स थे, मतलब किड्स बच्चे लोग इसे नहीं देख सकते थे, इसके डायलॉग्स ऐसे थे। लेकिन गाइस, इसमें CGI और VFX का वर्क बहुत सही था और इसलिए मैंने इसे 5th नंबर पे रखा है, क्योंकि इसकी स्टोरी और डायलॉग्स पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन इसके VFX एकदम टॉप क्लास थे। फिर गाइस, 4th नंबर पर है रोबोट, जो कि साउथ की फिल्म है, और गाइस ये फिल्म मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, इसलिए मैंने इसे 4th नंबर पर रखा है। इस फिल्म की स्टोरी में दम था, इसके डायलॉग्स एकदम अच्छे थे, इसका VFX और CGI, और ये फिल्म रावण से पहले आई थी, यानी कि 2010 में, और गाइस इसका CGI एकदम टॉप क्लास था, मतलब अभी के फिल्मों के CGI से तो पहले के CGI अच्छे होते थे। फिर गाइस, 3rd नंबर पर है रोबोट का इस सीक्वल, जो कि है 2.0। यस गाइस, और गाइस इसकी भी स्टोरी में दम था, इसके डायलॉग्स अच्छे थे, इसका CGI VFX सब कुछ एकदम सही था, इसलिए इसे मैंने 3rd नंबर पर रखा है। और गाइस, ये फिल्म 2018 में आई थी। फिर गाइस, 2nd नंबर पर है इंडिया की फर्स्ट स्पेस फिल्म, मतलब ये फिल्म की स्टोरी स्पेस से रिलेटेड है, और इस मूवी का नाम था टिक टिक टिक, जो कि एक और साउथ की मूवी है। और गाइस, इस फिल्म की भी स्टोरी एकदम टॉप क्लास है, इसके CGI, इसकी VFX, मतलब इसमें ज़्यादा VFX CGI के सीन्स नहीं है, लेकिन जितने हैं टॉप क्लास है, आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और गाइस, पहले नंबर पर है साउथ की एक और मूवी, टाइम स्टोरी। जी हाँ गाइस, जैसा इसका नाम है वैसे इसकी स्टोरी भी, ये स्टोरी भी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। इस स्टोरी में होता है कि एक वॉच से ज़रिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। गाइस, आपको ऐसे नहीं समझेगा, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए तो ही आपको समझ आएगा कि मैं। और गाइस, ये फिल्म मेरी पर्सनली इंडिया में जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज आई है सबसे फेवरेट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी इंडियन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने अब तक यूज़ नहीं किया है। और ये फिल्म साउथ की फिल्म है, तो आप इसी अंदाज से सोच सकते हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स कैसे आगे की सोचते हैं। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2016 में, तो कैसे सोचिए 2016 में इन्होंने टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई है, तो आगे ये कैसे कैसी फिल्म ला सकते हैं। गाइस, आप इन फिल्म्स को देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और गाइस माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है, सो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।